राजधानी पटना से सटे नौबतपुर थाने की पुलिस ने चीकू हत्याकांड में शामिल एक युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि देर शाम पुलिस की गश्ती गाड़ी को देखकर बाइक सवार दो युवक भागने लगे। जब पुलिस ने पीछा किया तो एक युवक भागने में सफल हो गया, जबकि दूसरा पुलिस की गिरफ्त में आ गया। वहीं जब पुलिस ने पकड़े गए युवक की तलाशी लिया तो कमर से पिस्टल और मोबाइल फोन बरामद हुआ। पकड़े गए युवक की पहचान नौबतपुर थाना अंतर्गत लोदीपुर गांव निवासी मनोज यादव के पुत्र अमन कुमार के रूप में किया गया है। वहीं भागने में सफल रहने वाले युवक के जेब से एक लोडेड पिस्तौल गिर गया। लोदीपुर गांव निवासी योगेंद्र राम का पुत्र राजकुमार है। वहीं पुलिसिया पूछताछ में अमन ने बताया कि बीते माह चीकू कुमार की हत्या वाली घटना में वह शामिल था। उसने बताया कि राजकुमार और चीकू में आपसी वर्चस्व को लेकर तनाव था। इसी दौरान राजकुमार ने चीकू का गेम ओवर करने के लिए प्लान बनाया, हमें इस घटना में शामिल कर चीकू का हत्या कर दिया। फिलहाल पुलिस अमन को न्यायालय भेज दिया है, वही राजकुमार की तलाश में जुटी हुई है। कल दिनांक 18 अगस्त 2024 की रात्रि में गश्ती के दौरान चीकू हत्याकांड के एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया है, तथा दूसरा आरोपित जो था उसमें वो उसका सहयोगी भागने में अंधेरा का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हुआ। गिरफ्तार हुआ व्यक्ति का नाम अमन है, जो नौबतपुर थाना के ही लोदीपुर गांव का है, जिसके पास से एक पिस्टल तथा जिसके मैगजीन से 5 गोली बरामद हुआ, तथा जो भागा हुआ व्यक्ति था उसका नाम राजकुमार, ग्राम लोदीपुर ही बताया है जो पकड़ा गया व्यक्ति, और उस भागने के क्रम में उसके भी जेब से पिस्टल जो है वही गिर गया, जो भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है, तथा उसमें भी 6 गोली उसके अंदर मैगजीन से भी बरामद किया गया है। जो व्यक्ति गिरफ्तार व्यक्ति के द्वारा चीकू हत्याकांड के में अपनी संलिप्तता को उसने स्वीकार किया है, तथा घटना में प्रयुक्त मोबाइल को भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। कब घटना घटी थी सर? चीकू की जो हत्या हुई 18 जुलाई 2024 में हुई थी, जिसमें कि चीकू की घटना